नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल टूर गाइड विद नेगी जी में। तो दोस्तों, आप लोगों के जिस तरह से मैसेज आ रहे थे कि सर लैंसडोन के आसपास कोई सस्ते होटल या होम स्टे के बारे में बताइए, उसी का पता करने के लिए आज हम जा रहे हैं लैंसडोन में और यहाँ पे हम पता करेंगे सस्ते होम स्टेज के बारे में, ताकि जो सस्ते से सस्ता होम स्टे आपको यहाँ पे मिल सके। और बाकी वहाँ की कंप्लीट डिटेल्स बताऊँगा, लोकेशन कैसी है, क्या वहाँ पे चार्जेस हैं, क्या फैसिलिटीज़ वो देने वाले हैं, तो वो सब जानने के लिए हमारी इस वीडियो में आप बने रहिए। दोस्तों, अगर आप भी उत्तराखंड की शांत और खूबसूरत पहाड़ियों में कुछ दिन गुजारना चाहते हैं तो इसके लिए आप आ सकते हैं इस खूबसूरत लोकेशन पर। दोस्तों, ये होम स्टे है आनंदम होम स्टे, जो कि लैंसडोन वाली रोड पे लैंसडोन से 7 किलोमीटर पहले पड़ता है। अब दोस्तों, अगर बात की जाए लैंसडोन के मौसम की, तो यहाँ का मौसम साल भर सुहाना रहता है, जिस कारण आप यहाँ पे गर्मियों में आते हैं चाहे सर्दियों में, आपको मौसम बहुत ही शानदार मिलेगा। ये जो होम स्टे है ये लैंसडोन जाने से 7 किलोमीटर पहले पड़ता है, तो अगर आप लैंसडोन घूमने के लिए जा रहे हैं तो 7 किलोमीटर पहले इस होम स्टे में रुक सकते हैं, जहां पे आपको ये ब्यूटीफुल लोकेशन मिलने वाली है। यहां पे आने के लिए सबसे पहले आपको आना होगा कोटद्वार में, और अगर आप दिल्ली से आते हैं अपनी गाड़ी से तो कोटद्वार आने में आपको 4 घंटे का समय लगेगा। 4 घंटे में बड़े ही आसानी से आप कोटद्वार पहुंच सकते हैं दिल्ली से, और फिर 1.5 घंटे का सफर करके आप पहुंच सकते हैं इस ब्यूटीफुल लोकेशन पालकोट में। इस जगह का नाम पालकोट है, तो आपको लैंसडोन से पहले 7 किलोमीटर पहले रुकना है पालकोट में, तब आप इस होम स्टे में पहुंच सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, कोटद्वार आप बस और ट्रेन से भी पहुंच सकते हैं। अगर आप अपनी गाड़ी से नहीं आते हैं तो आप बस या ट्रेन से भी कोटद्वार पहुंच सकते हैं, कोटद्वार तक ट्रेन की भी सुविधा उपलब्ध है। और इसके बाद आप टैक्सी बुक करा के यहां तक आ सकते हैं, या फिर लोकल जो टैक्सी चलती है उनको लेके पालकोट तक आ सकते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पे रूम की बात की जाए तो यहाँ पे रूम के चार्जेस 1,000 रुपये से लेकर 2,000 रुपये तक हैं। गर्मियों में रेट थोड़ा बढ़ जाता है, तो उस हिसाब से कभी रेट अप और डाउन रहते हैं, तो आप एक बार पहले आने से पहले फ़ोन कर लीजिए, ताकि आप अपने लिए रूम भी पहले बुक करा सके और रूम का रेंट भी क्लियर हो जाए आपको। तो दोस्तों, इस टाइम पे मैं आया हूँ लैंसडोन से 7 किलोमीटर पहले एक होम स्टे पड़ता है आनंदम होम स्टे, और वहाँ की ये लोकेशन है। इस टाइम पे आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये लोकेशन है। तो ये लैंसडोन से केवल 7 किलोमीटर पहले पड़ती है, तो अगर आप यहाँ पे रुकना चाहते हैं तो यहाँ पे 1200 रुपये से लेके 1500 रुपये तक में रूम मिल जाएगा आपको, और अगर आप ज़्यादा लंबे समय के लिए रुकना चाहते हैं तो आप बार्गेनिंग कर सकते हैं, बाकी रेट वगैरह का यहाँ पे आके कर सकते हैं। इनका मैं कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह सब कुछ आपको दे दूँगा। और ये देखिए, लोकेशन तो बहुत ही अच्छी है यहाँ पर, वो देखिए सामने, और ये पहाड़ों का व्यू भी यहाँ से आपको नज़र आ जाएगा, ये देखिए। बाकी मैं आपको रूम्स वगैरह भी दिखा देता हूँ एक बार। ये वाला रूम है जो ये आपको 1500 रुपये में मिल जाएगा, जिसमें 2 लोग रह सकते हैं, इस तरीके का ये रूम है। और इस तरीके से गीजर वगैरह सब इसी में है, ये देखिए। अगर आप लैंसडोन में होटल लेते हैं तो वहाँ पे आपको महंगे पड़ेंगे, लेकिन अगर आप होम स्टे लेते हैं तो वो आपको थोड़ा सस्ता पड़ जाएगा। बाकी खाने वगैरह की बात की जाए तो अगर आप यहाँ पे आते हैं तो खाना वगैरह की सुविधा भी मिल जाएगी, उसका अलग सा चार्ज आपको देना होगा। यह रूम और इसकी लोकेशन और व्यू आपको दिखाता हूँ। और एक दूसरा रूम भी आपको मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे, ये देखिए। तो काफ़ी अच्छे साफ सुथरे रूम है और रेट भी काफ़ी अच्छे हैं यहाँ पे, 1200 रुपये से लेके 1500 रुपये में आपको रूम मिल जाएंगे। तो अगर आप उत्तराखंड के किसी ऐसे ही हिल स्टेशन के पास में रुकना चाहते हैं होम स्टे में, तो एक बार यहाँ पे ज़रूर विजिट करें। इनका नंबर वगैरह सब आपको अभी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ये देखिए, लोकेशन बहुत शानदार है। और यहाँ से अगर आपको लैंसडोन भी घूमने जाना है तो केवल 7 किलोमीटर दूर है, गाड़ी से आसानी से यहाँ पे लैंसडोन के लिए जा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप गर्मियों की छुट्टी में किसी ऐसी ही लोकेशन पे घूमने के लिए आना चाहते हैं, या फिर अगर आप ऑफिस वर्क करते हैं और वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं और ऐसी लोकेशन पर रह के अपना वर्क करना चाहते हैं, तो आप इस जगह आ सकते हैं। लोकेशन तो बहुत ही अच्छी है, आप चाहें तो ऊपर छत पर बैठ के भी आराम से काम कर सकते हैं। और यहाँ पे नेटवर्क वगैरह की बात की जाए तो वाईफाई यहाँ पे नहीं है, लेकिन जियो के नेटवर्क यहाँ पे काफ़ी अच्छे आते हैं, तो अगर आपके पास जियो का नेटवर्क है तो वहाँ उससे नेट का काम आपका चल जाएगा। यहाँ आप चाहें तो दोस्तों के साथ पार्टी करने आ सकते हैं, या फिर किसी का बर्थडे सेलिब्रेशन है उस फंक्शन के लिए भी यहाँ पर आप पहुँच सकते हैं, क्योंकि लोकेशन बहुत ही अच्छी है और पार्टी वगैरह करने के लिए भी ये जगह बहुत ही खूबसूरत है। तो दोस्तों, अगर आप अपनी गाड़ी से भी आते हैं
तो यहाँ पे पार्किंग वगैरह आप कर सकते हैं गाड़ी को। ये देखिए ये पार्किंग की जगह है और यहीं पे है सामने वो होम स्टे, और भैया का नंबर जो है होम स्टे का वो ये है, आप नंबर सेव कर लीजिए। ये नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल रखे हैं, तो जब भी आप अगर लैंसडाउन के आसपास आते हैं घूमने के लिए और लैंसडाउन आना चाहते हैं घूमने, तो यहाँ पे आप आ सकते हैं सस्ते में और अच्छी लोकेशन पे आप यहाँ ठहर सकते हैं। बिल्कुल रोड के किनारे ही है, ये देख सकते हैं आप, और लोकेशन वगैरह मैंने आपको दिखा दी है। और अपनी गाड़ी से आते हैं तो पार्किंग की भी सुविधा यहाँ पर उपलब्ध है। तो दोस्तों हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, और हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि हम आगे आपके लिए जब ऐसे वीडियो और लाएं तो आप उनको भी देख सकें। तो इसके बाद दोस्तों मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।